बिग बॉस 13 जो कि काफ़ी टेढ़ा है। आपको बता दें कि अब यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि फ्राइडे को आखिर क्या होने वाला है। आपको बता दें कि फ्राइडे को डिसाइड होने वाला है कि आखिर कौन बनने वाला है कैप्टन। या दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एक टास्क रखा जाता है और सभी से पूछा जाता है कि आखिर कौन आपके दावेदार हैं। तो पारस की टीम तो कह देती है कि हमारे तरफ से कोई भी दावेदार यहाँ पर साबित नहीं हो पाया क्योंकि हमारा कोई डिसीजन एक तरफ निकला ही नहीं है। और यहाँ पर दूसरी तरफ आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की टीम से और आपको नज़र आने वाले हैं दो कंटेंडर जो कि यहाँ पर साफ लड़ने वाले हैं कैप्टनसी टास्क के लिए, तो वो है हिमांशी खुराना और सिद्धार्थ शुक्ला। अब यहाँ पर देखा जाता है कि एक ट्विस्ट हमें देखने को मिला क्योंकि पहले असीम और सिद्धार्थ शुक्ला दोनों साथ में कैप्टनसी टास्क के लिए जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला सामने आए तो असीम ने अपनी कैप्टनसी के लिए दावेदार रखना कैंसिल कर दिया और हिमांशी के नाम को सपोर्ट करने लगे। और वहाँ पर अब आपको बता दें कि यहाँ पर कैप्टनसी डिसाइड कैसे होने वाली है। बिग बॉस एक प्रॉम्प्ट देने वाले हैं जो कि टेबल की साइज़ में है, लेकिन उसे पकड़ना है और जब तक पकड़ना है तब तक सामने वाला छोड़ना दे। और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला था कि आखिर ये कौन का कितनी देर तक कर सकता है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसा सीन काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार इसीलिए है क्योंकि इसमें हिंदुस्तानी भाऊ और शहनाज भी नज़र आने वाले हैं और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ हिमांशी खुराना और सिद्धार्थ शुक्ला ही बच जाते हैं और जो भी इसको लास्ट तक पकड़ के रखता है वो जीत जाता है। जय दोस्तों अब आपको बता दें कि कल कैप्टन बनने वाली है हिमांशी खुराना जो कि काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर भी बायस का टैग मिलने वाला है शेफाली जरीवाला को और यहाँ पर काफ़ी गेम में ट्विस्ट एंड टर्न्स अब आपको नज़र आने वाले हैं। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस बार कौन कैप्टन बनने के बाद में, यानी कि हिमांशी खुराना कैप्टन बनने के बाद में क्या धमाका करती हैं घर के अंदर, क्योंकि उनका ग्रुप जो है वो अब अलग हो चुका है और वो सिर्फ हिमांशी के साथ में रह गए हैं शेफाली जरीवाला और असीम रियाज। अब यहाँ पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला और बाकी सब से काम कैसे करवा पाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल खेलो खेलो को ताकि आपको मिले ऐसे ही बिग बॉस से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले।